सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 16 दिसंबर से निष्ठा प्रशिक्षण का चौथा चरण प्रारंभ हो चुका है और साथियों जिसमें आपको मॉड्यूल 10, मॉड्यूल 11 और मॉड्यूल प्राप्त होंगे। तो जैसे ही हम अपने दीक्षा ऐप ओपन करते हैं और फिर हम कोर्स में जाते हैं तो हमें इस तरह की स्क्रीन दिखाई पड़ती है। इस स्क्रीन में क्या है, देखिए कि आपको मेरे राज्य के कोर्स दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो साथियों अपडेट होने के बाद इस ऐप में मेरे राज्य के कोर्स अब दिखाई नहीं पड़ेगा। तो जिनका अपडेट हो चुका है उनका स्क्रीन इस तरह से दिखाई पड़ेगा और जिन साथियों का दीक्षा ऐप अभी अपडेट नहीं हुआ है उनके में मेरे राज्य के कोर्स दिखाई पड़ेंगे और जो तीनों मॉड्यूल है मॉड्यूल 10, 11 और 12 उनको मेरे राज्य के कोर्स में दिखाई पड़ेंगे। लेकिन जिनका अपडेट हो चुका है वे अपने जो कोर्स है उसको इस तरह से स्क्रॉल करके देख सकते हैं या फिर चाहे तो सबसे सरल उपाय यह है कि यहाँ पर देखिए टॉप में आपको ये सर्च का आइकन दिखाई पड़ रहा है, इसको आपको क्लिक करना है। जैसे ही उसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कैपिटल में लिखनी है इस तरह से CG और उसके बाद ये अंडरलाइन आपको क्लिक करना है इस तरह से। आपको यहाँ पर डैश नहीं देना है और नहीं माइनस करना है। यहाँ पर देखिए निशान को ये आपको अंडरलाइन करके आपको ये 10 लिखनी है, उसके बाद फिर आपको ये सर्च करें पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सर्च करें पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने नीचे में मॉड्यूल 10 दिखाई पड़ रहा है, उसको आपको इस तरह से ओपन कर लेनी है और ओपन करने के बाद देखिए आपकी स्क्रीन इस तरह से दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर देखिए कोर्स में नामांकन कीजिए लिखा हुआ है, तो आपको ये कोर्स में नामांकन कीजिए को क्लिक करके आपको नामांकन कर लेनी है। नामांकन करने की जो अंतिम तारीख यहाँ पर बताया गया है 30 दिसंबर 2020 है और कोर्स को खत्म करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2020 है। तो जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे तो आप सीधे कोर्स में नामांकन कर लेंगे और आप कोर्स में नामांकित हो जाएंगे। इस तरह से स्क्रीन आने पर आपको ये आई एग्री पे क्लिक करके आपको ये शेयर पे क्लिक कर देनी है, जिससे क्या होगा आपकी जानकारी जो ऐप एडमिन है उनके पास चला जाएगा। ये देखिए हम कोर्स पे नामांकित हो चुके हैं और यहाँ पर हमारी स्क्रीन सीखना शुरू करे आ चुका है। उसी तरह से आप यहाँ पर 10 के जगह में आप 11 टाइप करेंगे, उसके बाद फिर सर्च करेंगे तो आपको 11 मिल जाएगा इस तरह से। और फिर आप 11 की जगह पे आप जैसे 12 टाइप करेंगे तो आपको मॉड्यूल 12 मिल जाएंगे इस तरह से। तो तीनों मॉड्यूल को आपको ओपन करके आपको नामांकन कर लेना है। अंतिम तिथि का आपको इंतजार नहीं करना है। क्या है, अंतिम तिथि का इंतजार करने के चक्कर में क्या होता है, भूलवश हम अपने कोर्स से चूक जाते हैं और उक्त कोर्स को हम कंप्लीट नहीं कर पाते हैं निश्चित जो निर्धारण समय अवधि है उसके अंतर्गत। साथियों इसके बाद भी आपको यह कोर्स नहीं मिल पाता है तो इसका इन तीनों कोर्स का जो लिंक है, तीनों मॉड्यूल का जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से उस लिंक को ओपन करके सीधे अपने जो कोर्स है उसको प्राप्त कर सकते हैं, अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो साथियों आज का जो वीडियो है आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। फिर मिलते हैं साथियों एक नई जानकारी के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए साथियों जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।